सब्सक्राइब कीजिए यूबीपी स्मार्ट गुरुकुल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग वीडियो, स्टॉक मार्केट टिप्स, ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट्स और ऑनलाइन अर्निंग ऐप्स के बारे में सबसे पहले जानिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जो पिछले एक साल से ज़बरदस्त रिटर्न देते आ रहा है और अगले 3 साल में भी ज़बरदस्त रिटर्न देने का दमखम रखता और ज़बरदस्त रिटर्न देने वाला है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, पहला फंड है हमारा टाटा डिजिटल इंडिया फंड्स। टाटा डिजिटल इंडिया फंड्स फ्रेंड्स 59.2% का रिटर्न दिया है पिछले 1 ईयर में फ्रेंड्स। और इसका एनएवी देखिए, एनएवी का चार्ट रेगुलर देखिए ग्रोथ करते जा रहा है फ्रेंड्स। और ये फंड फ्रेंड्स 28 दिसंबर 2015 को ही स्टार्ट हुआ है, ज़्यादा पुराना फंड्स नहीं है, लेकिन आईटी सेक्टर अभी अप ट्रेंड में चल रहा है और अगले 3 से 5 साल तक अप ट्रेंड में ही रहने वाला है जैसा उम्मीद किया जा रहा है। और अगले 3 साल तक तो अप ट्रेंड में रहने का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेज है। आईटी सेक्टर में ही एक जो है ना फंड इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करती है फ्रेंड्स, जिसके वजह से ये फंड अगले 3 साल तक अप ट्रेंड में ही रहेगा। और इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसका फंड साइज जो है 197 करोड़ है, एक्सपेंस रेशियो भी कम है फ्रेंड्स, 1.14 का एक्सपेंस रेशियो है, जो अच्छा है, होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। मिनिमम एसआईपी आप 500 से कर सकते हैं और लमसम में फ्रेंड्स मिनिमम 5000 से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए पिछले 1 ईयर का 59.2% दिखा रहा है रिटर्न, 3 ईयर्स का इसलिए नहीं दिखा रहे फ्रेंड्स यहाँ पर, क्योंकि ये 28 दिसंबर 2015 को ही लॉन्च ही हुआ ये फंड। आगे आपको बता दें कि एसआईपी कैलकुलेटर, अगर आपने 5000 करके इन्वेस्टमेंट किया तो आपका देखिए 1 ईयर में ही 74,920 रुपीज हो जाता है, तो बहुत अच्छा इसका ये है रिटर्न फ्रेंड्स। और कंपैरिजन करके देखिए, दूसरे फंड्स का भी कंपैरिजन यहाँ दिया हुआ है, देखिए ये तो टाटा डिजिटल इंडिया का ही ऊपर में है और दूसरे फंड से कंपैरिजन करते हैं तो देखिए और फंड्स, बहुत सारा फंड्स अभी माइनस में चल रहा है फ्रेंड्स, मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिरा हुआ है, फिर भी ये 59.2% का रिटर्न दे रहा है और फंड्स सब माइनस में है फ्रेंड्स, किसी का भी इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये तो आप कंपैरिजन देख लीजिए फ्रेंड्स। आप देखिए कि इसका बेंचमार्क रिस्क क्या है, रिस्क इज लोअर कंपेयर टू द बेंचमार्क। बेंचमार्क जो इस फंड का है उससे कम रिस्क है। और रिटर्न देखिए फ्रेंड्स, 1 ईयर रिटर्न आर हायर देन द बेंचमार्क। बेंचमार्क का 1 ईयर का रिटर्न जो है इससे ज़्यादा है इस फंड का रिटर्न फ्रेंड्स। और इसका AUM है 500 करोड़ से नीचे फ्रेंड्स। इस फंड का जो है ना 3 साल हुआ है, एज 3 ईयर्स है फ्रेंड्स। होल्डिंग इसमें किस में वो देख लीजिए, होल्डिंग जानना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करती है, इसीलिए ज़्यादातर म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट इक्विटी में ही होता है, इसलिए होल्डिंग को जानना ज़रूरी होता है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट्स है फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए 197 करोड़ का फंड है, इक्विटी में ये 96.9% का इन्वेस्टमेंट करती है, इसके पास 3.1% कैश है। इक्विटी सेक्टर लोकेशन देख लीजिए, आईटी सेक्टर में देखिए, आईटी में फ्रेंड 100% आईटी में ही इन्वेस्टमेंट करती है। और जैसा कि हमने बताया आईटी फंड के हिसाब से ये फंड है, इसीलिए अगले 3 साल का हमने टारगेट दिया, 3 साल से आगे का क्या होगा वो तो कहना मुश्किल है, लेकिन अगले 3 साल में ये फंड
ज़बरदस्त रिटर्न देगा ही फ्रेंड्स। और देखिए इसका स्मॉल कैश में, स्मॉल कैप जो है इसमें 3.6% का इन्वेस्टमेंट है। ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट इसका लार्ज कैप में है जो 58.5% है फ्रेंड्स। मिड कैप में 34.8% है, जो एक बैलेंस बना के भी चला है ये फंड, तो इस हिसाब से भी बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। टॉप होल्डिंग देखिए किस किस स्टॉक में है। इंफोसिस जो आईटी सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है, इसमें 27.1% का इन्वेस्टमेंट है। टाटा कंसल्टेंसी, टाटा कंसल्टेंसी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि 100 अरब डॉलर मार्केट कैप वाले इंडिया की पहली कंपनी है फ्रेंड्स। टेक महिंद्रा, ये भी आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, रेगुलर अप ट्रेंड में चल रहा है फ्रेंड्स। एनआईटी टेक्नोलॉजी, ये भी अप ट्रेंड में रेगुलर चल रहा है। टाटा ELXI, आईटी सेक्टर का ये सब जितना भी है फ्रेंड्स, सब का सब बड़ा कंपनी है और इसमें नुकसान होने का चांस बहुत ही कम है फ्रेंड्स। तो आप टाटा डिजिटल इंडिया फंड में इन्वेस्टमेंट करके अगले 3 साल में ज़बरदस्त रिटर्न कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ये जो है इसका एसेट मैनेजमेंट कंपनी है टाटा डिजिटल इंडिया फंड का, टाटा म्यूचुअल फंड फ्रेंड्स। अगला फंड है हमारा फ्रेंड्स आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड, इसमें भी अच्छा रिटर्न दिया है फ्रेंड्स। 42.9% का रिटर्न दिया है पिछले 1 ईयर में। ये भी देखिए रेगुलर अप ट्रेंड में है, इसका NAV रेगुलर बढ़ते ही जा रहा है। 1 ईयर में देखिए NAV का, फिर 3 ईयर्स का भी NAV देख लेते हैं फ्रेंड्स। 3 ईयर्स का भी NAV देखिए अप ट्रेंड में है। 5 ईयर्स का देखिए, 4 देखने से अभी आप समझ रहे होंगे रेगुलर अप ट्रेंड में है इसका चार्ट फ्रेंड्स। तो NAV भी अप ट्रेंड में है फ्रेंड्स। इसका रिस्क देखिए इक्विटी में हाई रहता ही है फ्रेंड्स, लेकिन हमने टारगेट दिया है 3 ईयर्स का, 3 साल में आपको इसका रिटर्न जो भी इनकम होगा निकालना है। आगे क्या होगा वो तो कहना मुश्किल है, लेकिन 3 साल तक आपको नुकसान नहीं देगा फ्रेंड्स। ये NAV इसका है आज का NAV 5 अक्टूबर 2018 का 44.3। मिनिमम SIP इसमें आप कर सकते हैं फ्रेंड्स 1000 का। एक्सपेंस रेशियो है इसका 1.85। टाटा डिजिटल इंडिया फंड से थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, लेकिन फ्रेंड्स अगर फंड अच्छा हो और रिटर्न अच्छा दे रहा है तो एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा ज़्यादा दिया जा सकता है। फंड साइज इसका है फ्रेंड्स 380 करोड़ का। ये फंड 1 जनवरी 2018 को स्टार्ट हुआ था। इसमें लमसम में भी आप 1000 से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसका 1 ईयर का रिटर्न जैसा कि देखें 42.9% का है, 3 ईयर्स का रिटर्न 13.9% का है फ्रेंड्स, और 5 ईयर्स का रिटर्न 17.8% का है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि रेगुलर इसका जो है ना रिटर्न बढ़ते जा रहा है फ्रेंड्स, और अगले 3 साल में फ्रेंड्स ज़बरदस्त आपको रिटर्न देगा ही। अगर आप इसमें 5000 करके महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप 1000 रुपया से भी कर सकते हैं, अगर 5000 करते हैं तो आपको 71,044 रुपया का 1 साल में रिटर्न हो जाएगा फ्रेंड्स। इस हिसाब से अगर आप 3 साल तक करते हैं रिटर्न, तो आपको 2,18,918 हो जाता है फ्रेंड्स। इसी हिसाब से अगर 5 साल तक करते हैं तो 4,61,194 हो जाता है। लेकिन हमने आपको 3 साल तक ही बताया है, 3 साल तक आपको रेगुलर करना, आगे 3 साल के बाद क्या होगा वो तो उस टाइम में देखा जाएगा, लेकिन 3 साल के हिसाब से भी हम आपको बता रहे हैं। टाटा डिजिटल इंडिया फंड कंपेरिजन करते हैं तो टाटा डिजिटल इंडिया फंड का इससे ज़्यादा रिटर्न है, और जितना भी है फ्रेंड्स सब का सब इससे देख रहे हैं कि रिटर्न अभी मार्केट गिरा हुआ फिर भी ये
42.9% का रिटर्न दिया और सब फंड नीचे गिरा हुआ है। इसमें देखिए रिस्क क्या है, रिस्क इज लोअर कंपेयर टू दी बेंचमार्क, बेंचमार्क से इसमें रिस्क कम है फ्रेंड्स। और 3 ईयर्स रिटर्न हायर देन दी बेंचमार्क, 3 साल का रिटर्न जो है बेंचमार्क से ज़्यादा है फ्रेंड्स। तो रिस्क कम हुआ बेंचमार्क से और रिटर्न ज़्यादा दिया 3 साल में भी फ्रेंड्स। और 5 ईयर्स रिटर्न आर हायर देन दी बेंचमार्क, 5 साल का भी रिटर्न बेंचमार्क से ज़्यादा है। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है टाटा डिजिटल इंडिया फंड से, और फंड्स में कहे तो एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा देने में नुकसान नहीं होता अगर वो रिटर्न अच्छा दे रहा हो तो फ्रेंड्स। अब इसका देखते हैं होल्डिंग का, होल्डिंग तो जानना ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। इक्विटी इसमें जो है ना 91.6% है, कैश ये इसके पास 8.4% का है। टेलीकॉम में इसका इन्वेस्टमेंट है 6.5% का, अदर्स 3.3% का, आईटी में 76.1% है फ्रेंड्स। तो जैसा कि इसमें भी आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट 14.1% का है। स्मॉल कैप में फ्रेंड इसका इन्वेस्टमेंट है 4.5%, लार्ज कैप इसका 61.2 का है, मिड कैप 27.4 का। तो ये फंड भी फ्रेंड्स बैलेंस बना के चल रहा है और आईटी सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, टेलीकॉम में भी है। ये फंड को भी आप बहुत अच्छा मान सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि बैलेंस बना के चल रहा है, लार्ज कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, आईटी सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। टॉप होल्डिंग इसका देख लेते हैं फ्रेंड्स। टॉप होल्डिंग इसमें भी आपको इंफोसिस में 23.2% का है, जो आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। एचसीएल टेक्नोलॉजी ये भी इंडिया की एक आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी है फ्रेंड्स, इसमें 9.9% का इन्वेस्टमेंट है इसका। टेक महिंद्रा में 6.9% का है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में 5.4% का है। केपीआईटी टेक्नोलॉजी में आपको 5.4% का है, ये भी आईटी की कंपनी है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो कि 100 अरब डॉलर मार्केट कैप वाली इंडिया की पहली कंपनी है फ्रेंड्स, इसमें भी इसका भी इन्वेस्टमेंट है। तो ओवरऑल ये फंड्स भी बहुत ही ज़बरदस्त फंड है फ्रेंड्स। अगला फंड है हमारा फ्रेंड्स ICICI प्रूडेंटियल टेक्नोलॉजीज फंड। इसमें फ्रेंड्स पिछले एक साल में 50.3% का रिटर्न दिया है फ्रेंड्स, और इसका भी NAV देखिए फ्रेंड्स रेगुलर अप ट्रेंड में बढ़ ही रहा है। रिस्क इसमें भी ज़्यादा है, जो फंड आपको ज़्यादा रिटर्न देगा रिस्क तो रहेगा ही, लेकिन अगले 3 साल में आपको नुकसान होने का चांस बहुत ही कम है फ्रेंड्स। आईटी सेक्टर में ये भी इन्वेस्टमेंट करती है। मिनिमम SIP इसका 1000 है। एक्सपेंस रेशियो इसमें भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं, 1.76 का है। और रिटर्न अच्छा दे रहा है तो 1.76% का एक्सपेंस रेशियो दिया जा सकता है फ्रेंड्स। ये फंड स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 2013 को फ्रेंड्स, और 5 अक्टूबर 2018 को इसका NAV है 63.5 का। और मिनिमम SIP इसमें फ्रेंड्स आप 1000 से कर सकते हैं, मिनिमम लमसम में कर सकते हैं 5000 से इन्वेस्टमेंट। ये फंड फ्रेंड्स पिछले 3 साल में 13.1% का रिटर्न दिया, 5 ईयर्स में 19.8% का रिटर्न दिया, और 1 ईयर में तो आप जानते ही 50.3% का रिटर्न दिया है फ्रेंड्स। और अगर आप इसमें 5000 करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इसमें मिलता है एक साल में 72,825 रुपीज़, और 3 साल तक यदि 5000 करके करते हैं फ्रेंड्स तो 2,16,592 का आपको रिटर्न मिलता है।
तो जो बहुत ही अच्छा है आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से फ्रेंड्स, टाटा डिजिटल इंडिया फंड से कंपैरिजन करते तो वो तो ज़्यादा है। ये कंपैरिजन और भी फंड्स का देखिए फ्रेंड्स, देखिए और मैक्सिमम फंड्स माइनस में चल रहा है, अभी मार्केट डाउन है, लेकिन मार्केट डाउन होने के बावजूद ऐसे ऐसे प्रोडेंशियल भी अच्छा रिटर्न दे रहा है फ्रेंड्स। इसका रिस्क देख लेते हैं फ्रेंड्स, रिस्क इज लोअर कंपेयर टू दी बेंचमार्क, बेंचमार्क से इसका भी रिस्क कम है और बेंचमार्क से इसका भी 3 साल का रिटर्न ज़्यादा है फ्रेंड्स, और 5 साल का भी बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न है फ्रेंड्स। इसका AUM है 500 करोड़ से कम है फ्रेंड्स। होल्डिंग देख लेते हैं, इसका होल्डिंग देखना बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी म्यूचुअल फंड का। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है इसका 90.2% और कैश इसके पास रहता है 9.8% फ्रेंड्स। IT सेक्टर में 100% इन्वेस्टमेंट है फ्रेंड्स, और स्मॉल कैप इसमें 3.5% इन्वेस्टमेंट है, लार्ज कैप में 86.0% इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप में 0.8%। तो लार्ज कैप में ये फंड इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करती है फ्रेंड्स, इसलिए इस फंड्स को भी ज़बरदस्त बोल सकते हैं। ये लार्ज कैप का स्टॉक जो होता है फ्रेंड्स, वो बहुत ही कम नुकसान देता है, यदि मार्केट गिरेगा भी तो बहुत कम नुकसान देगा, इसीलिए लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट है तो इसको भी बहुत ज़बरदस्त बोल सकते हैं फ्रेंड्स, और ये भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला। टॉप होल्डिंग देख लेते हैं फ्रेंड्स, इंफोसिस में इसका सबसे ज़्यादा है 36.6% का। ये IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी है फ्रेंड्स, लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक, इसमें 14.1% का है। टेक महिंद्रा 10.4% का है। CCIL 9.7% का इन्वेस्टमेंट है। SCL टेक्नोलॉजीज 9.5% का है। विप्रो लिमिटेड 9.0% का। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज 6.4% का। साइंट में आपको 0.8 का है। तो फ्रेंड्स, इस हिसाब से ओवरऑल कहा जाए तो ये फंड भी आपके लिए बहुत ही अच्छा फंड है फ्रेंड्स। अगला फंड है हमारा, चौथा फंड है फ्रेंड्स, SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड। ये फंड फ्रेंड्स पिछले 1 ईयर में 42.6% का रिटर्न दिया है, और इसका NAV भी देखिए फ्रेंड्स, रेगुलर बढ़ते ही जा रहा है। थ्री ईयर्स का NAV देख लेते हैं फ्रेंड्स, देखिए थ्री ईयर्स का NAV भी देखिए चार्ट में अप ट्रेंड में ही है फ्रेंड्स। 5 ईयर्स का भी NAV देख लेते हैं फ्रेंड्स, 5 ईयर्स का भी देखिए अप ट्रेंड में ही है इसका NAV चार्ट के अनुसार। तो रिस्क तो है दिखा रहा है, लेकिन IT सेक्टर जैसा कि हमने पहले भी बताया, IT सेक्टर अगले 3 से 5 साल अप ट्रेंड में ही रहने वाला है फ्रेंड्स, और 3 साल तो पक्का अप ट्रेंड में रहेगा ही फ्रेंड्स। इसमें मिनिमम SIP 500 से कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो इसका 1.46 है, जो कम है फ्रेंड्स। एक्सपेंस रेशियो कम होना अच्छा माना जाता है किसी भी म्यूचुअल फंड्स के लिए। ये 9 जनवरी 2013 का स्टार्ट हुआ है फंड। फंड का साइज है 99 करोड़, और NAV फ्रेंड्स 5 अक्टूबर 2018 को इसका 66.7 का है। मिनिमम SIP इसमें 500 से कर सकते हैं, मिनिमम लमसम 5000 से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। 1 ईयर का रिटर्न 42.6% है, 3 ईयर्स का फ्रेंड्स इसका रिटर्न 10.8% है, 5 ईयर्स का इसका रिटर्न 16.3% का है। तो इस हिसाब से देख रहे हैं कि रिटर्न इसका बढ़ते ही जा रहा है ईयर बाय ईयर फ्रेंड्स। इसमें अगर फ्रेंड्स आप 5000 करके करते हैं तो 1 साल में 70,959 रुपया आपका होता है। 3 साल तक अगर 5000 करके आप करते हैं तो फ्रेंड्स आपको इसमें 209,863 रुपया होता है, जबकि आपका इन्वेस्टमेंट इसमें 3 साल में फ्रेंड्स 1,80,000 ही होता है। तो आज रिटर्न बहुत ही ज़बरदस्त इसमें भी दिया जा रहा है फ्रेंड्स, और इसका रिस्क देख लेते हैं। रिस्क इसमें भी बेंचमार्क से कम है फ्रेंड्स, और 3 ईयर्स का रिटर्न बेंचमार्क से ज़्यादा है, 5 ईयर्स का भी रिटर्न बेंचमार्क से ज़्यादा है। AUM 500 करोड़ से कम है फ्रेंड्स।
और होल्डिंग देखना तो बहुत ज़रूरी होता ही है किसी भी फंड्स का। इसका होल्डिंग देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या क्या है। इक्विटी में ये इन्वेस्टमेंट करती है 95.8% का, कैश इसके पास है 4.2%, अदर में करता है 1.2%, लेकिन 98.2% 98.8% आईटी सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट करती है ये फंड भी। और ये बैलेंस बना के चल रहा है फ्रेंड्स। स्मॉल कैप में 10.1% का इन्वेस्टमेंट करती है, लार्ज कैप में 59.7% का करती है, मिड कैप में 19.4% का इन्वेस्टमेंट करती है। इस हिसाब से ओवरऑल ये फंड भी ज़बरदस्त है फ्रेंड्स। और इसका कंपैरिजन देख लेते हैं दूसरे फंड से। तो फ्रेंड्स अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में, फिर भी आप देख रहे हैं कि 42.6% का ये वन ईयर में रिटर्न दिया है। और टॉप होल्डिंग फ्रेंड्स इसका इंफोसिस में है 31.8%, जो लार्ज कैप की आईटी की बड़ी कंपनी, दिग्गज कंपनी है फ्रेंड्स। साइंट में 9.5% है, ये भी आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनी है फ्रेंड्स। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसको तो पिछले और भी म्यूचुअल फंड में आपने बताया, 100 अरब डॉलर मार्केट कैप वाले इंडिया की पहली कंपनी है। ओवरऑल सभी कंपनी को मिला दें तो भी सभी कंपनी में सबसे ज़्यादा बड़ा मार्केट कैप TCS का ही है। तो TCS में भी इसका 9% का इन्वेस्टमेंट है फ्रेंड्स। कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी में 6.6% का है, CCIL में 6.3% का है, टेक महिंद्रा में इसका भी इन्वेस्टमेंट है फ्रेंड्स 5.3% का। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स ये फंड भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत ही अच्छा फंड है, लेकिन सबसे अच्छा कहा जाए तो इसमें टाटा डिजिटल इंडिया फंड को मानते हैं। अगला फंड हमारा फ्रेंड्स फ्रैंकलिन इंडिया टेक्नोलॉजी फंड, ये भी ज़बरदस्त फंड है फ्रेंड्स। गिरते हुए मार्केट में भी आपको 34.3% का वन ईयर में रिटर्न दिया है फ्रेंड्स। और जैसा कि आप NAV का चार्ट देख रहे हैं कि NAV रेगुलर अप ट्रेंड में है, इसका भी रेगुलर NAV बढ़ते ही जा रहा है। और 3 साल का भी NAV देखिए फ्रेंड्स, तीन साल का NAV का चार्ट देखिए, भी अप ट्रेंड में। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स NAV बहुत अच्छा है। रिस्क तो हायर सब में रहता ही है, जो रिटर्न आपको ज़्यादा देगा म्यूचुअल फंड। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 500 का है इसमें। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा इसका ज़्यादा है फ्रेंड्स 2.13%, लेकिन फंड ज़बरदस्त है ये भी फ्रेंड्स। 1 जनवरी 2013 को ये फंड स्टार्ट हुआ। इसका फंड का साइज है 216 करोड़। और फ्रेंड्स इसमें मिनिमम SIP आप 500 से कर सकते हैं, मिनिमम लमसम 5000 से इसमें भी कर सकते हैं। रिटर्न पिछले वन ईयर में 30.3% का दिया है, 3 ईयर्स में 10.5% का दिया है, और 5 ईयर्स में 14.5% का रिटर्न दिया है। तो रिटर्न के हिसाब से रेगुलर ये भी रिटर्न अच्छा देते आ रहा है फ्रेंड्स, और अगले 3 साल में भी देगा ही, क्योंकि IT सेक्टर में ये इन्वेस्टमेंट करती है ज़्यादा। इसमें अगर आप 5000 से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 साल में आपका 68,929 होता है फ्रेंड्स, और 3 साल में फ्रेंड्स आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है 2,08,963। कंपेरिजन करते हैं तो टाटा डिजिटल इंडिया फंड तो इससे ऊपर है ही फ्रेंड्स। और देखिए मैक्सिमम फंड्स इससे नीचे ही है, माइनस में बहुत सारा फंड्स। तो ये फंड भी बहुत ही ज़बरदस्त कह सकते हैं। अब इसका देख लेते हैं हम होल्डिंग क्या है फ्रेंड्स। होल्डिंग इक्विटी में इसका 96.4% का है, और कैश इसके पास 3.6% है। टेलीकॉम में ये इन्वेस्टमेंट करते हैं 11% का, सर्विस सेक्टर में 6.3% का, अदर्स में 31.1% का, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करती है अदर म्यूचुअल फंड में भी 12.4% का, IT सेक्टर में 104% का। तो यहाँ अदर्स को देख रहे हैं माइनस कर दिया है, मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अब कर दिया IT सेक्टर में ये फंड भी। तो फ्रेंड्स इस हिसाब से ये फंड भी IT सेक्टर का ही फंड है।
और ज़बरदस्त है ये फंड भी। स्मॉल कैप ये भी बैलेंस बना के चल रहा है, स्मॉल कैप में 1.4% का कर रही है, लार्ज कैप में 58.0% का करती है, मिड कैप में 11.3% का इन्वेस्टमेंट है इसका भी फ्रेंड्स। टॉप होल्डिंग देखना जरूरी होता है हर फंड का फ्रेंड्स। टॉप होल्डिंग इंफोसिस का 22.9% है, टाटा कंसल्टेंसी में 10.2% का है, HCL टेक्नोलॉजी 9.1% का है। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स ये फंड टेक महिंद्रा में भी इन्वेस्टमेंट है 7.3% का, कॉग्निजेंट में टेक्नोलॉजी में 6.3% का इन्वेस्टमेंट है। इस हिसाब से ये फंड ओवरऑल कहे तो ज़बरदस्त फंड इसको भी कह सकते हैं, क्योंकि TCS भी है इसमें, इंफोसिस भी है, HCL भी है, जो दिग्गज कंपनी है IT सेक्टर की, टेक महिंद्रा भी। तो फ्रेंड्स ये ज़बरदस्त पांचों स्टॉक हमने जो बताया आपको अगले 3 साल में ज़बरदस्त रिटर्न देना है, आप बेझिझक इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी भी फंड में। लेकिन आपको मैं बता दूँ आपको पांचों फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, पांचों एक ही कैटेगरी का फंड है, इस पांचों में आपको जो अच्छा लगे पांचों फंड में उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें, किसी एक में करें, क्योंकि सभी का सभी IT सेक्टर का ही फंड है। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट फ्रेंड्स इंफोसिस में, TCS में, HCL में, टेक महिंद्रा में है, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है आपका लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट, तब आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने का कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपका बड़ा बड़ा कंपनी में इन्वेस्टमेंट है ही ऑलरेडी। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो से लाभ ज़रूर मिलेगा, और आप सही म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म के लिए 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। फ्रेंड्स आपको बता दें अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कम से कम 1000-2000 लाइक तो इस वीडियो के लिए मिलना ही चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके हम ये 5 म्यूचुअल फंड लाए हैं जो आपको अच्छा रिटर्न देगा 3 साल में। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि वो भी इससे लाभ ले सके और सही डिसीजन ले सके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना राय भी ज़रूर दें। कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं, कोई आपको हेल्प चाहिए हमसे, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिटर हैं, नए मेहमान हैं, तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करके फ्री में नोटिफिकेशन एक्टिवेट कर लें, ताकि जब भी हमारे चैनल के द्वारा कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप सबसे पहले हमारे वीडियो से अपडेट रह सके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग बनाया गया है, इन्वेस्टमेंट करना ना करना ये आपके विवेक पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल के वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।